करैरा से खबर, जहां पर नगर में आज सुबह किसान खाद के लिए लाइन लगाए बैठे थे। खाद न मिलने से किसानों ने पुलिस सहायता केंद्र पर चक्काजाम किया और कहा कि प्रशासन से कहा कि जब तक खाद नहीं मिलेगा जाम को नहीं खोला जाएगा। पुलिस और राजस्व की टीम जो है वो मौके पर मौजूद थे। किसानों ने बोला कि खाद दो, करैरा SDM और SDOP की लाख समझाने के बाद भी समाचार लिखे जाने तक चक्का जाम लगा रहा। अभी वो 1550 हमारा DAP है, वो दे सकते हैं, यूरिया है वो दे सकते हैं, बट फिलहाल में टारगेट 1550 है, DAP नहीं है। हमारे खारों में भी तक यहाँ दुकानों में खाद भरा है, दुकानों में खाद भरा है। मेरे पिताजी 4 बोरी लेके गए हैं गेड़ा जी से, एक और जाकर का लड़का है वो भी 2 बोरी लेके गया। मैं 1 बोरी के लिए मांग किया, मेरे को मना कर दिया, जबकि इनके पास 1000 बोरी स्टॉक है और इधर 9 मार्केट में 1000 बोरी स्टॉक है। इधर और सेठी है उनके पास 1000 बोरी स्टॉक है। करे राम है, करे राम है, वो देना नहीं चाहते हैं, रेट वाली बात नहीं है, वो देना ही नहीं चाहते। 1500 में 1600 में नहीं देना चाहते वो। सोमवार को आपको खाद मिलेगा और उसके नाम के खाद ना मिलने के कारण ये जाम लगाया है। वो अभी नहीं मानोगे तो हाईवे जाम करेंगे। बहुत ज्यादा आई थी मगर वो रात में ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया था रात में। कम से कम 7-8 गाड़ी खाद आया था मगर यहाँ एक भी खाद की बोरी नहीं आई। गोदाम पर बोला तो बोले एरिया का खाद एरिया ले जाइए, पूरी बोरी मिलेगी और सिंगल सुपर फास्ट ले जाइए एक एक बोरी। तो हमारे लिए उससे क्या मतलब है सर? हम ये कह रहे हैं अभी याद गाड़ियों का बात, वो कह रहे थे गाड़ी हमें 6 आई थी 6 डी के लिए, बोले एक पहुँचा दी हमने डीलर और सोसाइटी, और सोसाइटी में पहुँचा दी और सब सोसाइटी वालों से बात कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई खाद आया नहीं, तो भाई साहब हमारी समस्या कैसे सॉल्व कर दिया? अभी SDM यहाँ आए हैं, SDM और पुलिस वाले कुछ आए हैं अधिकारी, इनका अभी क्या कहना है आप लोगों को? अब सर मुझसे तो अभी मिल रहा है।